So um, it is in this section I will explain the specific differences between the forward contracts and the future contracts. So uh, when we are talking about the forward contract, there are five major steps that we generally follow. The first step for a forward contract is that there should be at least two parties who agree to exchange some item in the future at a delivery price. विच इज़ स्पेसिफाइड नाउ सो जो प्राइस है कीमत का तयन आप अभी करेंगे लेकिन जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की या एसेट की वो फ्यूचर में होगी और वो वाली डेट भी आप अभी स्पेसीफाई करेंगे अपने फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आपकी एसेट है इट कैन बी अ कमोडिटी इट कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो या कोई फॉरन एक्सचेंज हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकती है उस पर शर्त नहीं है लेकिन ये शर्त है कि कीमत का तयन अभी होगा और डिलीवरी डेट भी स्पेसिफाई होगी अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टेप नंबर टू द फॉरवर्ड प्राइस इज़ डिफाइंड एज द डिलीवरी प्राइस जो फॉरवर्ड प्राइस है यानी कि फ्यूचर की जो कीमत है जो आपने अदा करनी है या दूसरी पार्टी ने अदा करनी है उसको हम डिलीवरी प्राइस बोल रहे हैं और वो वो होनी चाहिए जो कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट को जीरो बनाए सो so, इसको हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं अभी थोड़ी देर में कि इसका क्या मतलब होता है नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट जब आप साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त किसी किस्म की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है चौथी अहम बात यह है कि द फेस वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ द आइटम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय द फॉरवर्ड प्राइज सो जो फेस वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की है वो कितनी क्वान्टिटी आप ले रहे हैं किसी भी चीज़ की उसको आपने फॉर्वर्ड प्राइज से मल्टीप्लाई करके उसका जो फेस वैल्यू है वो डिफाइन होगा और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि द पार्टी टू बाय द स्पेसिफाइड आइटम इज सेट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन जो पार्टी उस पर्टिकुलर एसेट को खरीद दे खरीद रही है उसको हम कह रहे हैं वो लॉन्ग पोजीशन ले रही है और जो पार्टी उसको बेच रही है वो उसको कहते हैं हम टेक्निकल जबान में या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की जबान में हम कहते हैं कि जो बेचने वाला है वो शॉर्ट पोजीशन ले रहा है और जो खरीदार है वो लॉन्ग पोजीशन ले रहा है खरीदार कौन है जो कि फ्यूचर में पेमेंट करेगा और उसको वो पर्टिकुलर चीज डिलीवर होगी सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग शॉर्ट पोजीशन एंड टेकिंग लॉन्ग पोजीशन नाउ हु बेनिफिट्स फ्रॉम अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करें आप रिस्क को मैनेज कर रहे हैं आप अपने आप को हेज कर रहे हैं टूवर्ड्स द फ्लक्चुएशन दैट मे हैपन इन द फ्यूचर आपको पता नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी वीट के लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहे हैं साइन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इस मौजूदा जो हमने कीमत मुतयन की है इसके ऊपर एक माह के बाद मैं आपको या आप मुझे एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वीट को डिलीवर करेंगे अब एक माह के बाद उस वीट की प्राइस में जो भी कमी बेशी होगी उसका इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर असर नहीं हो सकता है तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि आपको uh, फ़ायदा हो सकता है शॉर्ट uh, सेलिंग करने वाले को या लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को दोनों में से किसी एक को फ़ायदा पहुंचेगा अगर स्पॉट प्राइस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मेचोरिटी डेट इज हायर देन द फॉरवर्ड प्राइस तो फिर किसका फायदा हो रहा है जो कोई लॉन्ग पोजिशन ले रहा है उसका फायदा होगा लेकिन अगर स्पॉट प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मेचोरिटी डेट से के ऊपर जो स्पॉट द स्पॉट प्राइस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मेचोरिटी डेट इज लोअर देन द फॉरवर्ड प्राइस तो फिर जो जिसने शॉर्ट पोजिशन लिया है उसको फायदा पहुंचेगा तो इस तरह इस तरह से आप अपने आप को बफर कर सकते हैं नाउ वेन वी मूव टूवर्ड्स द कॉन्प्ट ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करें हैं ऑन द कॉन्ट्री फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर द स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है एनी बडी कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ कमोडिटी मगर यहाँ सर्टन क्लॉज डलेंगे सर्टन रेगुलेटरी अथॉरिटी के कोई बीच में रिक्वायरमेंट्स को आपको एड करना पड़ेगा तो आपकी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होगी सो इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ स्पेसिफिकली ट्रेडिड ऑन द एक्सचेंज सो आप स्पेसिफिक एक्सचेंज है वहाँ ही इसकी ट्रेडिंग होगी इसके अलावा और कोई आम जगहों पर इसको आप खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते ना अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वहीं ही तयन होगा कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट के साइज़ का और वेयर एंड वेन द डिलीवरी विल टेक प्लेस ये तमाम चीज़ें जो है वो उस स्टैंडरडाइज कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनेगी नाउ इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर सिंपली क्लैरिफाई करने के लिए इन दोनों के डिफ्रेंसिस को आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन अ लुक एट दिस टेबल इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ फ्यूचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और राइट right साइड के ऊपर फॉरवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि इन दोनों के फर्क को ज़्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करती है या हमें समझने में आसानी हो जाती है तो फ्यूचर्स के लिए हमने देखा कि फ्यूचर्स हमेशा एक्सचेंज में ही ट्रेड होंगे सो देर आर जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है आपकी इस तरह से स्पेसिफिक एक्सचेंज है वहाँ ही फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होगी लेकिन जो फॉरवर्ड्स हैं वो प्राइवेटली निगोसिएटेड होते हैं नाउ फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज दे हैव एन एक्सचेंज स्पेसिफाइड दे आर एक्सचेंज स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट यूनिट दे हैव एन एक्सपायरेशन डेट टिक साइज एंड नोशनल वैल्यू ठीक है ये फॉरवर्ड में ये तमाम शर्तें पूरी करने की जरूरत नहीं होती दे आर कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर एंड द सेलर फिर फ्यूचर जो है वो एक्टिवली ट्रेडिड होते हैं और जो फॉरवर्ड्स हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल हैं इसका मतलब है अगर आपने फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आप उसको आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर्स में ऐसे नहीं होता फ्यूचर्स एक्टिवली ट्रेडेड हैं इसका मतलब है जब भी आपको कोई नफा नुकसान देखने को मिल रहा है आप उसको इमिडिएटली जाके एक्सचेंज पे उसको बेच सकते हैं उसको ख़रीद सकते हैं सो दे आर एक्टिवली ट्रेडेड नाउ फ्यूचर्स की एक और क्या डिफरेंसिंग फीचर है कि देर इज़ नो काउंटर पार्टी रिस्क सिंस पेमेंट इज गारंटीड बाय द एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस इसलिए आपको कोई आदमी दगा दे जाएगा या लेके भाग जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगा इस पर्टिकुलर चीज का खौफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है लेकिन फॉरवर्ड में क्या हो सकता है क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क हो सकती है बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इज प्राइवेटली निगोसिएटेड एंड इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द काउंटर पार्टी फॉर द पेमेंट इसलिए अगर दूसरी पार्टी आपको पेमेंट नहीं देती जैसे कि रिक्वायर्ड है या कमोडिटी डिलीवर नहीं करती डिलीवरी के ऊपर तो फिर आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको यहाँ मददगार नहीं हो सकती एंड अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज That futures are purely regulated and the forwards are non regulated. So, this is on the basis of these different features, we can very nicely understand the difference between the futures contract and the forwards contract.